नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा पाल। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज डीडीए की टीम ने दिल्ली के कल्याणपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में बुलडोजर से अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया। उन पर सरकारी काम के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप है। कल्याणपुरी इलाके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं और हम उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दरअसल एमसीडी की कल्याणपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है जब दिल्ली सरकार ने एमसीडी से रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों से 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी में उनके द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण रोधी अभियान का विरोध किया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की थी। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज, निर्भय सत्य, जनता की आवाज।